नमस्कार, मैं हूं कविता। हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी नई रेसिपी है फेमस स्ट्रीट फूड वेज चाउमीन, जिसे हम घर पर बड़ी ही आसानी से बनाएंगे। चाउमीन को बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और ये हर जनरेशन के लोगों को काफ़ी पसंद होती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल करेंगे। उसके लिए पतीली में 1 लीटर पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। ढक के उबालेंगे पानी को, जिससे पानी जल्दी बॉईल होगा। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें नमक डाल देंगे हम 1 से 1.5 चम्मच। नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं और 1 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें हम ऑयल, जिससे कि नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। और नूडल्स डाले हैं इसमें मैंने ये 300 ग्राम। नूडल्स को धीरे से घुमाएंगे, हमें नूडल्स को तोड़ना नहीं है। नूडल्स सॉफ्ट होकर नीचे जाते जाएंगे। इन्हें हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करना है, ये बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं। देखिए सभी नूडल्स नीचे चले गए हैं इसमें, और 2 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं। देखिए नूडल्स इसमें बॉईल हो चुके हैं। इतने ही हमें इसे बॉईल करना है, फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब दूसरे बर्तन के ऊपर स्टेनर रख के इन्हें हम सभी को इसमें डाल देंगे और उसके ऊपर डालेंगे 1 गिलास करीबन ठंडा पानी, जिससे इनकी कुकिंग प्रोसेस वहीं की वहीं रुक जाएगी और ठंडे पानी की वजह से ये आपस में चिपकेंगे नहीं। नूडल्स ठंडे हो रहे हैं, इतनी देर में चाउमीन में यूज़ होने वाली हमारी बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। सब्जियों को कुछ इस तरीके से कट करेंगे, पत्ता गोभी को थोड़ा सा महीन काटेंगे और प्याज को ये लंबा लंबा कट कर लिया है। शिमला मिर्ची दोनों तरह की मैंने इनको भी पतली पतली स्लाइसेस में काट लिया है। बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्ची और ग्रेट किया हुआ अदरक। अब एक बाउल में हम सब सारी सॉसेस का मिक्स करके तैयार कर लेंगे। ये 1 चम्मच लेंगे इसमें विनीगर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम ये रेड चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच डालेंगे इसमें टोमेटो केचप। यहाँ पर सारी सॉसेस को मिलाकर तैयार करने से वेजिटेबल जब हम फ्राई करते हैं उस समय पे जलती नहीं है और ये जल्दी से हमारी चाउमीन तैयार हो जाती है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें चाउमीन हाई फ्लेम पे बनाना है। सारी सॉसेस का ये मिश्रण तैयार हो गया है। अब गैस पर रखेंगे हम कढ़ाई और फ्लेम को रखेंगे हाई। उसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, ऑयल को गर्म होने देंगे। अब उसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची लिए हैं और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है, जिसे ग्रेट कर लिया है। 7 से 8 कलियां लहसुन की हैं, जिन्हें भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। इन्हें सिर्फ 1 मिनट के लिए सौटे करेंगे, जिससे कि इनका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें 1 बड़ी साइज़ की प्याज को लंबा लंबा कट करा है, इसे डाल देंगे। प्याज को भी हमें हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए सौटे करना है। प्याज सौटे हो गई है, अब इसमें डाल देंगे 2 तरह की शिमला मिर्च और पत्ता गोभी कटा हुआ। पत्ता गोभी हमने छोटा सा पत्ता फूल लिया है पत्ता गोभी का, इन्हें भी हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए इसमें सौटे करना है, जिससे बस ये थोड़ी सी हमारी वेजिटेबल जो है सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को हाई रखेंगे। अब इसमें वेजिटेबल्स के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक हमने पहले नूडल्स में भी डाला था और सारी सॉसेस में भी नमक होता है, उसके हिसाब से नमक डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें काली मिर्ची पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। वेजिटेबल सॉटे हो गई हैं, अब इसमें जो भी हमने सॉसेस का मिक्सचर तैयार किया था उसे डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड किए हुए नूडल्स। देखिए आप, नूडल्स हमारे सब एकदम से खिले खिले हैं, आपस में बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं। अब इन नूडल्स को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अभी थोड़े से डाल देंगे।
तीन को मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर बाकी के नूडल्स को डालेंगे। नूडल्स को दो स्पेटुला से मिक्स करेंगे क्योंकि इन्हें एक से करने में दिक्कत हो रही है। हमें इन्हें इस तरीके से मिक्स करना है जिससे कि ये अच्छे से मिक्स होंगे और टूटेंगे भी नहीं। फ्लेम को यहाँ पे हमने हाई रखा है, बाकी के नूडल्स को भी डाल देंगे और उन्हें भी मिक्स करेंगे। सभी नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं और हमारी ये चाउमीन अब यहाँ पर रेडी हो गई है। फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देंगे, अब इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखिए नूडल्स को बनाने में हमें सिर्फ 10 मिनट का समय लगा है। ये हमारी वेज चाउमीन तैयार हो गई है। अब इसे आप गर्मा गर्म बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आप सभी को मेरी आज की वेज चाउमीन की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।